नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विहान। जिनको एडमिट कार्ड नहीं मिले हैं या मिल चुके हैं लेकिन नाम गलत है या एग्ज़ाम सेंटर नहीं बताया गया है या कहीं फॉर्म तो रिजेक्ट नहीं हो गया, ये सब कुछ अगर आपको पता करना है तो ये वीडियो उनके लिए होगी। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिए। 1 वीक फुल पटवारी क्रैश कोर्स आप व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में है। आगे आने वाले समय में लेक्चर्स मिलने वाले हैं हिमाचल के अदर एग्जाम के लिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों, आपने सिंपली करना क्या है, गूगल क्रोम आपने ओपन करना है और वहां पे दोस्तों ये साइट ओपन करनी है। क्या लिखना है आपने, HP रेवेन्यू डिपार्टमेंट पटवारी एडमिट कार्ड, सिंपल सा लिखना है। उसके बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस नजर आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपने सिंपल क्या करना है, HP पटवारी एडमिट कार्ड 2019 डाउनलोड करें प्रवेश पत्र, ठीक है। तो आपने इस वेबसाइट के ऊपर क्या करना है, सिंपली क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक होने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि किस तरह से आपने डाउनलोड करना है, बहुत ही सिंपल है। आपको यहाँ पे एग्ज़ाम ऑफिशियल कब है, आपको सभी को क्लियर होगा कि 17 नवंबर को आपका पेपर होने वाला है, ठीक है। 11 से लेकर 12:30 तक है, तो आपको ये सब कुछ देखने को मिल जाएगा। लेकिन आपने यहाँ पे क्या करना है, जैसे अगर आप बिलासपुर से हैं तो आपने क्या करना है, डाउनलोड हेयर पर क्लिक करना है और आपको सारी बिलासपुर के डाउनलोड, जहाँ जहाँ पे आपका बिलासपुर में एग्ज़ाम सेंटर है, ठीक है, वहीं पे आपको ये सारी लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। और रिजेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट कौन सी है तो ये भी आपको देखने को मिल जाएगी। चंबा की यहाँ पे दोस्तों अभी विभाग ने नहीं डाली है, तो यहाँ पे अवेलेबल सून लिखा आ रहा है, ठीक है, यानी कि अभी ये डालेंगे, ठीक है। वैसे तो आपको बाय पोस्ट एडमिट कार्ड घर तक मिल जाएंगे, लेकिन अगर अभी तक अगर आपको किसी कारण ना मिले, ना प्राप्त हो, तो आप ये जरूर काम कर लीजिए, तो आपको वहाँ पे सिंपली हो जाएगा। जैसे अगर आप हमीरपुर से हैं तो हमीरपुर के लिए जो आपके सेंटर यहाँ पे दिए गए हैं, एक आपका सुजानपुर हो गया, भोरंज हो गया, बड़सर हो गया, नादौन हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल दोस्तों आपने क्या करना है कि जैसे मान लीजिए आप नादौन से हैं तो नादौन के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। नादौन के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे, डाउनलोड हो गया, ओपन फाइल करेंगे हम, तो आप देख सकते हैं कि ये जो नादौन की पूरी PDF फाइल आपको नज़र आ जाएगी, क्लियर। जैसे कि अश मोहम्मद अभारानी, ठीक है, यहाँ पे सारा इनका कहाँ कहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर होंगे, ठीक है, ये सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल है, आप ये कर सकते हैं, ठीक। पीछे चलते हैं, एक बार फिर देख लेते हैं। जैसे कांगड़ा से हैं आप तो कांगड़ा के लिए अभी यहाँ पे अवेलेबल सून, यानी कि अभी विभाग ने यहाँ पे नहीं डाला है, तो यानी कि जैसे ही अपलोड कर देंगे तो आप सिंपली कर सकते हैं, अगर आपको एडमिट कार्ड अगर आपके घर तक ना मिले बाय पोस्ट, ठीक है। किन्नौर से है तो कल्पा के लिए यहाँ पे क्लिक करिए, निचार, पू और ब्लॉक, ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, एग्जाम सेंटर यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। कुल्लू से है तो कुल्लू के लिए भी अभी यहाँ पे अवेलेबल सून यहाँ पे डाला गया है, रिजेक्टेड लिस्ट यहाँ पे नहीं है, सॉरी, ठीक है। तो कुल्लू के लिए आप कुल्लू के ऊपर क्लिक करिए, सिंपली कुल्लू एंड लाहौल स्पीति, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये सारी की सारी लिस्ट देखने को मिल जाएगी, क्लियर। जैसे अगर आप मंडी से हैं तो मंडी के लिए आपने क्या करना है, डाउनलोड हेयर यहाँ पे करिए सिंपली, और ये आप ओपन करिए यहाँ से, तो यहाँ पे आपको ये सारी की सारी लिस्ट जो है वो देखने को मिल जाएगी, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू कैंडिडेट रोल नंबर लिस्ट यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, रोल नंबर भी साथ में दिए गए हैं, फादर नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर हस्बैंड नेम साथ में दिए गए हैं, डेट ऑफ बर्थ और एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पे दिए गए हैं। तो वेरी सिंपल है, आप ये आराम से कर सकते हैं। अगर किसी कारण अगर आपको एडमिट कार्ड नहीं प्राप्त होता है तब ये आप कर सकते हैं, ठीक है। अब और साथ में देख लेते हैं मंडी के लिए दोस्तों, यहाँ पे एक और है, जैसे कि सदर मंडी, बल्ला, सुंदरनगर, सरकाघाट, धर्मपुर, जोगिंदरनगर, ये एग्ज़ाम सेंटर है मंडी के लिए, क्लियर है। और जिन्होंने मंडी के लिए अलग से लिस्ट ऑफ ऑल रिजेक्टेड कैंडिडेट, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है, कि मंडी से कौन कौन सी रिजेक्ट लिस्ट यहाँ पे इन्होंने डाली हुई है, क्लियर। तो और जिन्होंने अदर डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई किया है, यानी कि लिस्ट ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट कैंडिडेट, ठीक है, मंडी के लिए अदर डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई किया है, यानी कि, ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपली इसके लिए क्लिक करिए, डाउनलोड करिए और फिर आपके सामने ये फाइल खुल जाएगी, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, आप ये आराम से कर सकते हैं, क्लियर। अगर फिर भी कोई डाउट कुछ रह जाएगा तो आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ठीक है, अगर कोई भी परेशानी आ रही है तो। ऊना के लिए वैसे आपने करना है गगरेट,
तो अगर आपका गगरेट, अंब, बंगाणा, हरोली, ऊना, ठीक है, जो भी है, ठीक है, वहाँ पे आप क्लिक करिएगा कि ये एग्ज़ाम सेंटर है, ठीक है। अब आप देख लीजिए आपको कौन सा, आप सब डिवीज़न से आते हैं, ठीक है, वहाँ पे आप क्लिक करिए और फिर आपका एग्ज़ाम सेंटर आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो आपने अब क्या करना है, शेयर करना है, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक यहाँ पे, जिन जिन के नहीं आए हैं, ठीक है, अवेलेबल सून है, तो आप ये देख सकते हैं कि अवेलेबल सून में, यानी कि विभाग जो है वो जल्दी से जल्दी यहाँ पे अपलोड कर देगा। और जिनको अभी तक नहीं मिले हैं, टेंशन मत लीजिए, सभी को मिल जाएंगे, अभी बहुत टाइम है, ठीक है। वैसे भी विभाग ने यहाँ पे कितना कहा है, 12 से 15 तारीख तक यहाँ पे इन्होंने कहा है कि एडमिट कार्ड इशू डेट जो वो 12 नवंबर या फिर 13 नवंबर तक आपको सारे के सारे एडमिट कार्ड मिल जाएंगे। अगर फिर भी किसी कारण ना मिलते हैं, ठीक है, तो आप ये काम कर लीजिए, आपको यहाँ पे मिल जाएंगे सारे के सारे। और रिजेक्टेड लिस्ट भी आपको साथ साथ में ये अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ होगा तो आपको तब भी पता चल जाएगा, क्लियर। तो लाइक जरूर करिए। इसी के साथ दोस्तों, धन्यवाद।